दोस्तों आज सीखने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बेसिक्स। सबसे पहले क्या होगा, ये चार प्लान होंगे, एक बीपी है, ये भी बीपी रहेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लान है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लान रहेगा और एस वाई एक प्लान रहेगी। सपोज वर्टिकल प्लान हॉरिजॉन्टल प्लान पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो इस तरह है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम देखते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर हमको ए दिखाई देगा। और यदि हमारी आँख यहाँ पर है और यहाँ से यदि हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर बी दिखाई देगा। यदि इसको हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं और फर्स्ट एंगल भी बोलते हैं। सिमिलरली यदि हम यहाँ देखें तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और थर्ड एंगल भी बोलते हैं। थर्ड एंगल पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसमें ए बी लिखा हुआ है तो वो इस तरह दिखेगा, ए और बी। ये ट्रांसपेरेंट सरफेस कहलाती है, ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो आईज़ है यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट सरफेस में देखेंगे तो इसका जो ए है वो इधर हमको दिखाई देगा ऐसा। और यदि हम ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर, ये भी हमारी ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस, यदि हम यहाँ से देखते हैं तो ये बी हमको यहाँ पर दिखाई देगा और ये एक्स वाई लाइन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एक्स वाई लाइन के पहले हम फिगर बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। तो आप ये देखेंगे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चित्र मैं यहाँ बनाता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स वाई लाइन, एक्स वाई। थर्ड क्वाड्रेंट का चित्र ये है, ये एक्स और वाई। ये एक्स और वाई वही एक्स वाई है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई। ऊपर बना हुआ है वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन हम बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, ये बन गया हमारा वर्टिकल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होके नीचे चला जाएगा, तो ये रोटेट होके नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाएगा, चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए बना हुआ है, ये ए, ए जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा फ्रंट व्यू। और ये जो बी बना हुआ है नीचे, ये आएगा यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर बन जाएगा बी, तो ये बन जाएगा टॉप व्यू। सिमिलरली हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ट्रांसपेरेंट सरफेस ये है, तो ये क्या है वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन कहाँ पर बनेगा, नीचे। तो ये आप देख रहे हैं वर्टिकल प्लेन हमने नीचे बना दिया। अब क्या होगा कि ये देखिए, फिर से यहाँ पर अपन देखें कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, ये रोटेट होके सरफेस ऊपर चली जाएगी ऐसी, ये रोटेट होके ऊपर चली जाएगी। तो जैसे ये रोटेट होके ऊपर जाएगी तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये यहाँ पर ऊपर बन जाएगी, हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर जो फिगर है आप देखेंगे, इस चित्र में यहाँ पर ये बी बना हुआ है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ये बी इस तरह से बनेगा, देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा बी और इसके नीचे बनेगा ए, तो ये ए यहाँ पर बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आप फिर से देखें यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो ए हमारा जो है ये बना हुआ है ए और ऊपर बना हुआ है बी। इस तरह हम देखेंगे कि हमारा पूरा चित्र फर्स्ट और थर्ड एंगल का तैयार हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड और फोर्थ की भी चर्चा करेंगे, पर 99% जो ड्राइंग है वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बनती है, इसलिए हमने उसी को समझाया गया है। उसके एब्रीविएशन देख लें, इसको मैं एज इट इज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। अब आप देखेंगे ये, अब एज इट इज करने के लिए इसके एब्रीविएशन को अपन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर है वर्टिकल प्लेन, फिर है फ्रंट व्यू, फिर है टॉप व्यू, इस तरह आप देख रहे हैं कि एब्रीविएशन पूरे हो जाते हैं। क्यू का मतलब होता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट।
और